हाउ आर यू ऑल, क्या हाल है भाई? गुड इवनिंग। ये हमारा रहेगा चैप्टर फोर, ठीक है। हम कंटिन्यू हमारी फिजिक्स खत्म करने वाले हैं ऑलमोस्ट नाइन्थ क्लास की स्पेशली, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर होगा चैप्टर फाइव, और हमारी नाइन्थ क्लास की फिजिक्स खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम टेंथ की करेंगे, ओके। सिर्फ हम नाइन्थ टेंथ की करेंगे, एयर्थ की मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमारा फिजिक्स इतना है जो हमारे एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला, ठीक। जाएगा तो सबके लिए जाएगा, अदरवाइज इट्स ऑलराइट। आज हमारा चैप्टर दैट इज योर वर्क एंड एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा, ओके। हिंदी मीडियम वालों टेंशन मत लो, आई एम देयर। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रेविटेशन वगैरह वगैरह, ठीक, ये सब पढ़ लिया था। तो अब यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रखा कि हम सबको चाहिए फूड, ठीक। क्यों चाहिए फूड? क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी, क्योंकि हमें जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो वी नीड सम काइंड ऑफ, हम एक्टिविटी करेंगे तो हमें उस एक्टिविटी को करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी हमें मिलेगी फूड से, ठीक। और ये सारी एक्टिविटीज हमारी लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। द एनर्जी फॉर दीज प्रोसेस कम्स फ्रॉम द फूड से मिलती है हमें। अदर एक्टिविटीज लाइक हम उधर भी खर्च करते हैं एनर्जी, कहाँ? सिंगिंग, प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग वगैरह वगैरह। एनिमल्स भी इंगेज होते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज में, ठीक है। जंप करते हैं, रन करते हैं, फाइट करते हैं, मूव करते हैं, एनिमीज से बचने के भागते हैं, फूड 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 ढूंढते हैं, फाइंड अ सेफ प्लेस टू लिव वगैरह वगैरह। बहुत से जानवर हैं जो आपको पता है, लोड कैरी करते हैं, पुल गार्ड करते हैं, खेत जोतते हैं वगैरह वगैरह। तो इन सबको चाहिए एनर्जी, तो कहाँ से मिलेगी? फूड से। मशीन्स भी, तो मशीन को भी एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? फ्यूल से मिलेगी, पेट्रोल वगैरह, डीजल से। तो अब हम बात करते हैं वर्क पे। वर्क क्या है? डिफरेंस क्या है इन द वर्क, डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज इट इन साइंस, ठीक। तो साइंस का वर्क क्या है और वैसे क्या है? तो नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, हमारी इज प्रिपेरिंग फॉर एग्जामिनेशन, सी स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज। तो वो कैसा काम कर रही है? मेंटली ड्रॉज, डायग्राम बनाती है, ऑर्गेनाइज थॉट अपने ऑर्गेनाइज करती है, कलेक्ट करती है क्वेश्चन, पेपर्स को अटेंड करती है, क्लासेस को डिस्कस, प्रॉब्लम्स करती है फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करती है। सी एक्सपेंड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दीज एक्टिविटीज इन कॉमन पैरेलल्स, सी इज वर्किंग हार्ड। ऑल दिस हार्ड वर्क मे इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क इफ वी गो बाय द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, कि वो काम बिल्कुल नहीं कर रही है एज पर द साइंस। यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक, अगर आप किसी रॉक को हटाने के लिए बहुत हार्ड मेहनत कर रहे हो, लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव, अगर आपको रॉक मूव नहीं होता है डिस्पाइट ऑल द एफर्ट, आपने पूरे जोर लगा दिए, यू गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, पूरे आप खत्म हो गए। हाउएवर यू हैव नॉट डन एनी वर्क, क्यों? क्योंकि चीज वो मूव ही नहीं हुई भाई साहब, तो आपने कोई वर्क ही नहीं किया। यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स विद अ हैवी लोड ऑन योर हेड, तो आप थक गए, आप खड़े हो, आपने सर पे अपने 100 ग्लोव इकट्ठा रख लिया, आप खड़े रहे खड़े रहे, थक गए, नीचे रख दिया, कितना काम किया? जीरो। You climb up the steps of the staircase and reach the second floor of a building just to see the landscape from there. You may even climb up a tall tree. If you apply the scientific definition, these activities involve a lot of work. क्यों? उसमें motion हो रहा है, movement हो रहा है चीजों का, तो वहाँ पे हो रहा है हमारा scientifically, वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। So in day-to-day life, we consider any useful physical or mental labor as work. Activities like playing in the field, talking with friends, humming a tune, watching a movie, attending a function वगैरह वगैरह, इनको हम consider नहीं करते हैं work. What constitutes work depends on the way we define it, we use and define the term the word. Work differently in science to understand this, let us do the following activity. हमें करने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे सीधे scientific conception of work. So to understand the way we view work को हम कैसे देखते हैं and define कैसे करते हैं point of view of science से, तो some situations क्या हैं? People lying on a surface, the people moves through it. अगर मतलब भाई अगर आप चीज को फोर्स लगा रहे हो और वो चीज मूव हो गई, मतलब वर्क हुआ है, मूव नहीं हुई तो फिर उसमें वर्क नहीं हुआ, वर्क डन। ये देखो, एक लड़की ट्रॉली खींचती है, ट्रॉली मूव हो जाती है, तो यानी कि उसने वर्क कर दिया। लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट, आपने किसी बुक को ऊपर उठाया, ठीक। यू मस्ट अप्लाई फोर द बुक राइज अप, बुक उठी ऊपर, देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज मूव, बुक मूव हो गई तो वर्क हो गया, ठीक। A closer look at the above situation reveals that two conditions need to be satisfied for work to be done. Number एक, a force should act on the object. दो चीजें होनी चाहिए, पहला एक उस पे force लगना चाहिए, और उस force के लगने वजह से उसका displacement होना चाहिए, यानी कि वो चीज का move होना चाहिए वहां से। तो अगर in any one of the above condition does not exist, अगर इनमें से कोई एक भी condition अगर नहीं होती तो वहां पे वर्क काम नहीं माना जाएगा। तो this is the way we view work in science. एक bullock is pulling a cart, the cart moves. There is a force on the card and the card has moved. Do you think the work is done in this situation? Of course, yeah, it is. Work done by a constant force. अब क्या है?
हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस? टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसीडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हमने इधर लगाया और इधर ही में डिस्प्लेस करना है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ओके हमारा वर्क हमें मिलेगा प्लस में. और मान लो हमें हमने फोर्स लगा दिया इस साइड में, इधर खींच लिया, जबकि ये चीज उधर पुल होनी थी, तो हमारा वर्क माइनस में हो जाएगा. अभी देखो कैसे. सबसे पहले तो वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है W बराबर Fs, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हमने जितना फोर्स लगाया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका मल्टीप्लाई हमारा होता है वर्क डन. ओके तो दस वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. तो इससे क्या बनता है, ये एक वायरस खत्म नहीं होता हमारे को. तो वर्क क्या है, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर. तो ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है. क्यों, हमें पता है वर्क करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता ना वर्क किस डायरेक्शन में करना है. हमें बता दिया कि हमें 100 न्यूटन का वर्क करना है, हमें पता है वर्क हम कर देंगे. तो एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन. अब देखो इसका हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट ऑफ वर्क क्या है, न्यूटन मीटर, या फिर उसको बोलेंगे जूल. तो एक जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस होता है इट वाई 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. ऑलराइट, ये यहां पे दे रखा है कि व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0. सॉरी यार, व्हाट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0. रेफर टू द कंडीशन, लेट्स सी. यहां पर उन्होंने वो दे रखा है, हम यहां से पढ़ेंगे. कंसीडर अनदर सिचुएशन व्हिच द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. अगर फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है तो हमारा वर्क प्लस में होगा. बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड, द बेबी हैज एग्जर्टेड अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार. इन दिस सिचुएशन द वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव. आपने फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो गया तो आपका W बराबर हो जाएगा पॉजिटिव. अगर आपने फोर्स इधर लगाया लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया तो आपका W हो जाएगा नेगेटिव. कैसे, ऊपर देखो, पीछे देखो, पीछे. कंसीडर अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है. नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स F इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन. कोई बस ऐसे चल रही है हल्के हल्के, बस तो बहुत भारी हुई, चलो साइकिल ले लेते हैं. साइकिल आपका दोस्त चला रहा है इस साइड में, ठीक, आप उधर खड़े हो, आपने उसको हाथ दिया, उन्हें नहीं रोका, आप आ गए सामने आ गए और उसको हाथ साइकिल पे हाथ लगा के रोकने लगे. आपने फोर्स इधर लगाया और वर्क उधर हो रहा है तो अब आपकी आप उसको क्या करोगे, उसको रोक दोगे ना. आप एक फोर्स लगा रहे हो, रिटार्डिंग फोर्स जिसको बोलते हैं मंदन, ठीक. तो वो हमारा हो जाएगा वहां पे वर्क, हमारा कैसे होगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो दैट इज द एंगल बिटवीन, मतलब 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. ऐसे वो जा रहा था, आपने वर्क लगा दिया उल्टा, 180 डिग्री में लगेगा तो हमारा बल्क वर्क हो जाएगा. द एफ इज टेकन एज नेगेटिव एंड डिनोटेड बाय द माइनस साइन, ठीक. W बराबर माइनस एफ, क्यों, यहाँ पे वर्क नेगेटिव में हो रहा है. तो वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन इज पॉजिटिव, कब पॉजिटिव होगा, व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. बस ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, खत्म. अब हम बात करते हैं एनर्जी. लाइफ इज इम्पॉसिबल है हमारी, हमें पता है एनर्जी के बिना. द डिमांड फॉर एनर्जी एवर इंक्रीजिंग, बढ़ी रही है. हमें एनर्जी मिलती कहाँ से, द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस. मेनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सन. वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम से भी मिल सकती है, अर्थ के इंटीरियर से भी मिल सकती है, टाइड से भी मिल सकती है, अदर सोर्सेज से भी मिल सकती है. द वर्ड एनर्जी इज वेरी ऑफन यूज इन आवर डेली लाइफ बट इन साइंस वी गिव इट अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग. लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स. जब एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट करती है स्टेशनरी विकेट को, विकेट क्या उड़ जाता है ना भाई साहब. हाइट गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क. यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन अ रेज्ड हैमर फॉल्स. अगर कोई तोड़ी है, यहाँ पे कील है, उसको भी गिरती है तो ये कील दब जाती है ना अंदर की तरफ. तो क्या है, ये वाज़ ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन बाइंडिंग अ टॉय, उसको पुल करता है तो वो खिंच जाती है. इट स्टार्ट्स मूविंग, तो व्हेन अ बलून इज फिल्ड विद एयर. ये सारे एग्जांपल दे रखे, ठीक. सो द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लॉसेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट जिस पे काम होता है वो एनर्जी गेन करता है.
got it. So how does an object with energy do work? An object that possesses energy can exert a force on another object. जिसके पास एनर्जी है वो फोर्स करेगा, प्रेशर करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे जिस पे एनर्जी डालनी है. सो व्हेन दिस हैपेंस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉर्मर पहले वाले से लेटर मतलब दूसरे वाले पे चली जाएगी एनर्जी. द सेकेंड ऑब्जेक्ट मे मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी. आपको मैंने वो एग्जाम्पल दिया था ना, दो कंचे आपने खेले होंगे बचपन में, एंटे इसको बोलते हैं, इसको अगर आप इससे टक्कर मारते हो तो ये वाला जाके यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ये वाला मूव हो जाता है ना यहाँ से, तो वही होता है ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी. तो द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड अ कैपेसिटी टू डू वर्क. दिस इंप्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट जो उसके पास एनर्जी है कैन डू वर्क. सो द एनर्जी पजस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. तो यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयर फॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क के बराबर होती है, दैट इज योर जूल. जे इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वन जूल ऑफ वर्क. समटाइम अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल इज यूज्ड. 1 किलो जूल 1000 जूल इसको बोलेंगे. फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो सकते हैं? लकीली द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड एनर्जी इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स. मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है जो कि बनती है किससे? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल और लाइट एनर्जी बहुत सारे हो सकते हैं. जेम्स पर्स्कव जूल was an outstanding British physicist. थे he is best known for his research in electricity and the thermodynamics amongst other things. He formulated a law for the heating effect of electric current. He also verified experimentally the law of conservation of energy and discovered किया the value of the mechanical equivalent of heat. So the unit of energy and work called joule is named after him. ठीक. अब यहाँ पे उन्होंने देखा कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है वो काम कर सकता है. एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर वो ज्यादा काम करेगा, ठीक है, जो कोई ऑब्जेक्ट जो धीरे चल रहा है वो कम काम करेगा, हमको ये पता है. ठीक. हाउ डज अ बुलेट पियर्स द टारगेट? हाउ डज द विंड मूव द ब्लड? एक सेकंड. हाँ जी. वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी. अरे मतलब काइनेटिक एनर्जी वो होती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब कि गतिज ऊर्जा, गति किसी चीज में हो रही हो, किसी चीज में मूवमेंट हो रहा हो तो उससे एनर्जी हमें मिलेगी, दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी. सिंपल. सो अ फॉलिंग कंपोनेंट, एक गिरता हुआ नारियल, एक स्पीडी कार, एक रोलिंग करता हुआ स्टोन, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर बहता हुआ पानी इसको बोलते हैं, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट, ये सब क्या है? काइनेटिक एनर्जी है इनके अंदर. इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेस्ड होती है बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. So the kinetic energy of an object increases with its speed. Okay. How much energy is possessed by a moving body by virtue of its motion? So by definition, we say that the kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on to make it acquire that velocity. अब देखो क्या है. एक हमारा फॉर्मूला है v² - u² = 2s, यानी कि v² u² + 2s. So let us now express the kinetic energy of an object in the form of an equation. We consider an object of mass m moving with a uniform velocity u. Let it now be displaced through a distance s when a constant force f act karta hai in the direction of displacement, yani ki f into s ho jayega from the work done. So w is fs. So the work done on the object will cause a change in its velocity. Velocity बदलेगी. Let its velocity change from u to v. And a v the acceleration produced. अगर velocity बदलती है आपको पता है acceleration produce होता है. ठीक. तो v studies three equations of motion. The relation connecting the initial velocity u, final velocity v of an object moving with a uniform acceleration a and the displacement s. Formula ये हमारा आ गया. ठीक. और finally जो हमारा निकलेगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, फाइनल हमारे को ये लिखना है और कुछ नहीं. ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी ई बराबर हाफ एम पी स्क्वायर प्लस, ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं. दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक. कहीं पूछ लेगी अगर आप 50 किलो के हो और आपके पास वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर सॉरी, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? तो आप भाई कर दो 1/2 गुणा आपका वेट कितना है 50, वी कितना है 10, लेकिन वी स्क्वायर है तो 10 × 10 करोगे दो बार तो 2 25 बचा और ई बराबर जाएगा 25 × 10 × 10, ये 10 10 100 हो गया ना, यानी कि ई बराबर जाएगा 2500 किलो जूल.
ये भी ध्यान रखना आप। यहाँ पर उन्होंने ऐसे ही एक वो दे रखे हैं न्यूमेरिकल्स, जैसे मैंने आपको एक समझा दिया, बेसिक समझ जाओ, बाकी यहाँ वहां पे टफ नहीं आता, इजी होता, कर लोगे। पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है देखो, सॉरी इन द अबव सिचुएशन, इन्होंने सिचुएशन बहुत सारी दे रखी थी उसमें हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक स्प्रिंग है नॉर्मल है पहले, ठीक नॉर्मल स्प्रिंग है, हमने उसको खींच दिया, खींच दिया तो ऐसा हो गया, अभी हमने खींचा तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, क्यों? क्योंकि भाई हमने एनर्जी दी है ना उसको, तभी तो इतना बड़ा हो गया ना खींच के। अगर हम इसको छोड़ेंगे तो दोबारा अपनी स्टेज में आ जाएगा, तो जब दोबारा अपनी स्टेज में आएगा तो हम उससे कुछ काम भी तो करवा सकते हैं। मतलब हमने इधर एक धागा बांध दिया, इधर एक धागा बांध दिया, उधर कोई आइटम है जिसको हमें खिंचवाना है तो इधर उधर बांध के कर दिया, तो जब ये अपनी स्टेज में दोबारा वापस आएगा तो ये आइटम जो है ये फूल जाएगा, खिंच जाएगा, तो इससे हम वर्क वर्क करा सकते हैं। वो वर्क कहाँ से आया? हमारी एनर्जी जो हमने इसको दी थी ना, छोटे से इसको बड़ा किया था, गॉट दैट? सो द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज द स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो स्टोर हो जाती है, एंड इफ इट इज नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी, अगर उसके वेलोसिटी में चेंज नहीं कर रही है वो स्पीड ऑब्जेक्ट की, तो फिर वो स्टोर हो जाएगी। यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, ठीक, आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, बोलते हैं ना रबर होती है उसको खींचते हैं उसके बाद मारते हैं पट्ट से, तो द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी होती है वो। सो यू डू वर्क व्हाइल वाइंडिंग द की ऑफ अ टॉय कार, हम टॉय कार होते हैं ना, वो चाबी भरते हैं भरते हैं भरते हैं, तो उसमें क्या होता है एनर्जी तो भरते हैं। द एनर्जी ट्रांसफर टू द स्प्रिंग इनसाइड इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाई द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और कन्फिगरेशन। यहाँ पे देखो एन एरो एंड द स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑन द बेर, वो ये तीर है ये कमान है, नॉर्मल पहले ऐसा था, जब हमने इसको ऐसे पीछे स्ट्रेच किया तो ये ऐसे स्ट्रेच हो गया, ठीक, और करोगे तो और ज्यादा यहाँ पे क्या हो रही है पोटेंशियल, पोटेंशियल हिंदी बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थिति बदलने की वजह से हाँ जो एनर्जी मिलती है हमें बहुत ही सर्जी, तो पहले ही नॉर्मल था उसकी स्थिति चेंज हो रही है ना, अब ऐसे हो रहा है, ठीक, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जब हम छोड़ेंगे तो ये उसी एनर्जी को हमारे को उसी एनर्जी के थ्रू हम अटैक कर पाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, हाइट पे कैसे होती है? जैसे कि हमारे घर पे मोटर लगा होता है, हमें पता है ये पाइप लगा हुआ है, ऊपर टैंक लगा हुआ है, ठीक, आपको पता है, हमने यहाँ पे स्विच ऑन किया, मोटर चला और पानी जाके यहाँ पे भरने लगा, पानी भर गया, तो ये जो मोटर चलाया ना, वैसे तो मैकेनिकल वर्क है लेकिन पोटेंशियल बोल सकते हैं, क्यों? ये जो पानी हाइट पे हमने इकट्ठा किया ना, इसमें पोटेंशियल एक एनर्जी है, क्यों? अगर हम पानी को यहाँ पे अगर हम छोड़ेंगे, यहाँ पाइप से अपने आप पानी निकलता है, तो पानी जिस स्पीड से निकलता है वो क्या बताता है, उसका स्पीड यही यही से तो मिला है। ऐसे ही हमारे डैम वगैरह आपने देखा होंगे, डैम में हम पानी स्टोर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्टोर हो गई, अब हम पानी रिलीज करते हैं तो स्पीड से पानी निकलता है और हम नीचे लगा देते हैं हमारे टर्बाइंस, तो जैसे ही उन पर पानी स्पीड से गिरता है, टर्बाइंस हमारे रोटेट करते हैं और टर्बाइन रोटेट करते हैं उल्टा उल्टा मेट्रो के, तो वो सॉरी मेट्रो बोलो मोटर के, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, गॉट दैट? इससे हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी व्हेन रेज थ्रू अ हाइट, हाइट पे जितना उठाएंगे उसकी एनर्जी उतनी बढ़ेगी, दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि चूंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है लेकिन हम उसको अपनी पावर देके ऊपर उठा रहे हैं, तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं। सो व्हाइल इट इज बीइंग रेज द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गॉट दैट? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इज ग्रेविटी। सो इट इज इजी टू अराइव एट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, वो हमारा ये हो जाएगा भाई, और कुछ नहीं है। W बराबर mg, जहां पे फॉर्मूला देना चाह रहे हैं इसलिए इतनी बकवास कर रहे हैं। m हमारा मास होगा उस पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है, जी हम काम कर रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, और एच उसको किस हाइट तक उठा रहे हैं, डब्लू हमारा वर्क आ जाएगा। व्हाट दैट?
तो सिंस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एमजीएच एंड एनर्जी इक्वल टू द एमजीएच यूनिट इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी हम ई से करते हैं, तो ई बराबर हो जाएगा एमजीएच. सिंपल, तो ई के दो फॉर्मूला हो गए एमजीएच और काइनेटिक एनर्जी का एक हमारा ये हो गया हाफ एम बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, छोड़ो. मोर टू नो क्या है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाई डिपेंड करती है ऑन द ग्राउंड लेवल और द जीरो लेवल यू चूज. एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन पोजीशन कैन हैव अ सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वन लेवल एंड अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द अनदर लेवल. ठीक, इट इज यूजफुल टू नोट क्या है दैट द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड करता है ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. कुछ नहीं, यहाँ पे देखो ये क्या देना चाह रहा हूँ, अरे एग्जांपल दे रहा, समझा रहा है, छोड़ो, हमारे लिए इतना नहीं चाहिए, हमें बस बेसिक समझना है. आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकनेक्टेबल है क्या वो सब, तो कैन बी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यस वी कैन, लेट्स सी लाइक हाउ. एक्टिविटी बहुत सारी देते हैं ये करने के लिए, हम बच्चे नहीं है. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज हो सकती है दूसरी फॉर्म में. ठीक, व्हाट हैपेंस टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस, तो जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है द टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, यानी कि अनचेंज रहती है. तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस वही है. आपने किसी को थप्पड़ मारा, आपने एनर्जी उधर स्टोर कर दी, उधर से बैक फायर हुआ थप्पड़, वापस आ गए, तो ये एनर्जी क्या हुई, ट्रांसफर हुई है, नथिंग एल्स बट दैट. और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमारा जो फाइनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रही है, घटी बढ़ी नहीं है. अगर उसका बस फॉर्म चेंज हुआ होगा, जैसे आपने थप्पड़ मारा उसका गाल, चटाक से बोला तो उसका गाल लाल हो गया. ठीक, थोड़ी एनर्जी गाल लाल होने में चली गई, दूसरी उसका गाल गर्म हो गया तो उसमें थोड़ी हीट निकल गई. ठीक, तो क्या हुआ, हमारी एनर्जी थोड़ी कम हो गई, तो फिर वो गुस्से में मारेगा, फिर भाई आपके पड़ोसी होगा तो थोड़ी एनर्जी वहां से खत्म हो जाएगी. तो समझ रहे हो ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन द ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. समझ गए, हम आग जलाते हैं, हमने आग जलाई, लकड़ी जल गई, तो हमें जरूरी थोड़ी ना कि जितनी हीट हमें मिलनी चाहिए पूरी लकड़ी की हीट हमें मिल जाएगी. हमें थोड़ी हीट मिलेगी, थोड़ा धुआं भी मिलेगा ना भाई, थोड़ी राख भी मिलेगी, है ना. तो सारी फॉर्म्स में अगर हम सारी चीजें अगर मिलाएं दोबारा से तो इक्विवेलेंट होता जो एनर्जी लकड़ी में थी वो सारी इतनी थी. ठीक, कंसिडर सिंपल एग्जाम्पल, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम बी मेड टू द फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट से गिराते हैं. स्टार्ट में पोटेंशियल एनर्जी उसकी है एम जी एट एंड काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि ये बिल्डिंग है, यहाँ पे आप खड़े हो, आपके हाथ में है मान लो एक बाल्टी, अभी उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यानी कि उसमें मूवमेंट नहीं है, अभी आप पकड़ के रखे हो बस. ठीक, लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे, अभी इसमें क्या है, इसमें एम जी एच है, यानी कि ई बराबर एम जी एच हमारी की पोटेंशियल एनर्जी है इसमें, क्योंकि ये नीचे से ऊपर लाई गई है ना, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है. अभी इसको आप छोड़ोगे तो एम जी एच क्या होगा, पहले तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्यों, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे नीचे पहुंचेगी. तो देखो, व्हाई इज द काइनेटिक एनर्जी जीरो, इट इज जीरो बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अभी मूव नहीं करेगी, जीरो है. ठीक, सो द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दस एम जी एच एज इट फॉल्स. इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी इन टू काइनेटिक एनर्जी. ठीक, जो यहाँ पे रुकी एनर्जी है ये इसमें चेंज आएगी काइनेटिक एनर्जी में. इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज अ गिवन इंस्टेंट द काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ एम बी स्क्वायर. एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू होता रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज वाइल काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड हाइट जीरो होगी एंड वी विल बी द हाइएस्ट. समझ गए ना, ये क्वेश्चन आता है, ये आप सरफेस हो, बिल्डिंग से आपने कुछ गिराया, तो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ. सॉरी, ये सरफेस हमारा, ठीक,
ये हमारी कोई बिल्डिंग है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपने यहाँ से एक बाल्टी गिराई, बाल्टी गिराने से पहले मतलब कोई आइटम है यहाँ पे, आपकी पोटेंशियल एनर्जी है कितनी है, हाईएस्ट, और आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो, क्यों, अभी मूव नहीं कर रही क्योंकि वेलोसिटी है जीरो। ठीक, जैसे ही आपने इसको छोड़ा, जाते 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 जब ये यहाँ पहुंचा ली होगी ना, क्योंकि इसकी जी आपकी वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, हर सेकंड इतनी स्पीड, आप इतनी आप डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करोगे, और चूंकि इसका वेट ज्यादा होगा, जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंगली इसकी स्पीड इधर कम होगी, उसमें 9.8 बढ़ जाएगी, हर सेकंड 9.8 स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते एकदम लास्ट सतह से लगने से पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी ना वो मैक्सिमम होगी। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, जो इसकी ई यानी कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एमजीएच को कितनी हो जाएगी, जीरो या फिर मिनिमम हो जाएगी। ठीक, ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है इसमें। तो एमजीएच प्लस हाफ एमबी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट रह जाएगा। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो इधर लिखा हुआ है वो इधर इन्होंने लिख दिया थ्योरेटिकली। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ अपीयर्स एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। Here the effect of air resistance on the motion of the object has been ignored. There is thus a continual transformation of gravitational potential in energy into kinetic energy. Rate of doing work क्या होता है? So do all of us work at the same rate? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। A stronger person ज़्यादा काम करेगा, ठीक? कम टाइम में ज़्यादा काम कर देगा। More powerful vehicle ज़्यादा जल्दी complete जर्नी कर देगा, जबकि जो powerful नहीं है। We talk of the power of machines like motorbikes, motor cars. So the speed with which these vehicles change energy to do work is the basis for their classification. Power measure the speed. यहाँ पे हमारे को बस ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं। पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम, कि एक सेकंड में हम कितना वर्क कर रहे हैं वो हमारे को बताएगा कि कितनी पावर है हमारे में। सिंपल, तो हमारा पावर फॉर्मूला क्या बन गया, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टाइम हमारा सेकंड में खत्म। यहाँ पे द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, बस ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पावर की यूनिट क्या है, वॉट है, इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट हमने दिया ये। ठीक, हैविंग द सिंबल डब्ल्यू, वन वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज द वर्क एट रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। वी कैन ऑल्सो से दैट पावर इज 1 वॉट व्हेन द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी 1 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक चीज बन गया कि 1 वॉट बराबर कितना होता है, 1 जूल पर सेकेंड। बस ये क्वेश्चन आएगा, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, खत्म। 1 किलोवाट, किलो मतलब 1000, तो 1000 वॉट, 1 किलोवाट, वही लिख दिया उन्होंने डब्ल्यू। मतलब तीन तरीकों में लिख सकते हो, 1 किलोवाट को कैसे लिख सकते हो उन्होंने बताया। तो पावर ऑफ एन एजेंट मे वेरी विद टाइम, दिस मीन्स दैट द एजेंट मे बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे। देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज पावर इज यूजफुल। We obtain average power by dividing the total energy consumed by the total time taken. Simple. P बराबर m w upon t था, और w हमने फॉर्मूला बताया था ना, एम जी एच, तो एम जी एच अपॉन टी हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट है मैंने आपको बता चुका है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? द यूनिट जूल इज टू स्मॉल एंड हेंस इज इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी। यूनिट जूल है वो स्मॉल है, तो वी यूज अ बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। ठीक है, सो व्हाट इज 1 किलोवाट घंटा क्या है? तो लेट अस से वी हैव अ मशीन दैट यूज करता है 1000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड। तो इफ दिस मशीन इज यूज कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर, इट विल कंज्यूम 1 किलोवाट घंटा ऑफ एनर्जी। दस 1 किलोवाट घंटा इज एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक, ये उसका वो दे रखा कि 1 किलोवाट घंटे में कितना जूल होता है, ये इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। 1 किलोवाट घंटे मतलब हमारा 3.6 × 10^6 जूल। 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 × 10^6 जूल। गॉट दैट? और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो द एनर्जी यूज इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आर यूजली एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट घंटा।
फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, हियर वन यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। सिंपल। तो हमारी चैप्टर होता है खत्म। ये हम पढ़ लेते हैं हमने क्या क्या अभी तक सीखा। सो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड होता है एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ठीक मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। यहाँ पे डब्ल्यू बराबर एफ एस बताना चाह रहा है ये फॉर्मूला। ठीक। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड एक जूल होता है 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन इंटू मीटर। दूसरा हमारा वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स वुड बी जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। ये कोई दीवार है आप खड़े होके पूरी जिंदगी इसको धक्का मारते रहो, अगर ये मूव नहीं कर रही तो भाई साहब आपने क्या किया, घंटा कुछ नहीं किया, यू हैव डन जीरो वर्क। एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेट टू पजेस एनर्जी, एनर्जी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ वर्क दैट इज योर जूल। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन पजेस करता है व्हाट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड मूविंग विद वेलोसिटी वी हैज अ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर बराबर की के। ये हमारा फॉर्मूला है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, ई बराबर एम जी एच, बताया था ना आपको पी बराबर डब्ल्यू पॉइंट टी। सो द एनर्जी पजेस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजिशन और शेप इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ठीक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, उसका मास है। तो एम रेज्ड थ्रू अ हाइट h from the earth surface is given the by mgh mass gravity and height according to the law of conservation of energy। energy को transfer कर सकते हैं एक जगह से दूसरी एक एक form से दूसरे form में, इसको खत्म नहीं कर सकते ना ही बना सकते। the total energy before and after the transformation always constant रहती है। energy exists in nature in several forms such as kinetic energy, potential energy, heat energy, chemical etc। लेकिन important है के ही प्लस पी ई इज इक्वल टू क्या हमारा एम ई। ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर बनता है हमारा यांत्रिक। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द एसआई यूनिट पावर की क्या है, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, आपको पता चुका। द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ इज 1 किलोवाट घंटा इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। ठीक, ये हमारा होता है चैप्टर फिनिश। एनी डाउट व्हाट्सएप और कमेंट करो नीचे। अभी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप इनको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन एक बार ये कंप्लीट हो जाएंगे ना तो अगर आप स्टार्ट भी करना चाहोगे स्टिल इट विल बी लाइक अ बर्डन टू यू कि भाई ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा उसमें कि 10 वीडियो आपने ख़त्म करनी है, तो इट विल क्रिएट अ बर्डन ऑन यू। सो बेटर कि आप अभी कर लो, स्टेटस का नोटिफिकेशन आ चुका है 2023 का। ठीक, डू फिल द फॉर्म बिफोर द डेट लाइक डेट खत्म हो। बाकी पढ़ाई करो, अपनी ध्यान रखो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय।